हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसी वीडियो में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आप कैसे सिरी टेस्टिंग बोर्ड से और मल्टीमीटर से आप आपका जो घर का इक्विपमेंट कैसे आप इजीली टेस्ट कर सकते हो, जैसे कि चोक, फैन और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, जैसे कि टेम्परेचर कंट्रोल और उसका जो NONC बटन आप कैसे चेक कर सकते हो। अगर आपके पास एक ख़राब मोटर है, आप ये जो सिरी टेस्टिंग बोर्ड से आप कैसे टेस्ट कर सकते हो, वो सब मैं आपको इजीली मैं आपको करके दिखाऊंगा। हाँ फ्रेंड्स, अगर मेरा चैनल अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट देखते रहना। इसमें मैं आपको जैसे कि बोला था, सिरी टेस्टिंग बोर्ड और मल्टीमीटर से मैं आपको एक एक टेस्ट करके दिखाऊंगा। फर्स्ट मैं आपको सिरी टेस्टिंग बोर्ड से टेस्ट करके दिखाऊंगा और भी मैं आपको समझाऊंगा सिरी टेस्टिंग बोर्ड से आप क्या टेस्ट कर सकते हो और जो मल्टीमीटर से आप क्या चेक कर सकते हो, ये दोनों के बारे में मैं आपको डिफरेंस बताऊँगा। चलिए, मैं आपके लिए ये सब चीज़ें लेकर आया हूँ। और जो है, ये हमारा जो पुराना ट्यूबलाइट चोक है, इससे भी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। और देखिए, ये मेरे पास एक लाइट है, ये ख़राब है या सही है, मैं आपको सिरी टेस्टिंग बोर्ड से मैं आपको चेक करके बताऊंगा। और सिरी टेस्टिंग बोर्ड कैसे कनेक्शन करते हैं वो बहुत सिंपल है। उसकी लिंक, उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। आप लोग अगर ये सिरी टेस्टिंग बोर्ड बनाना चाहते हो तो जाके वो वीडियो देख के आप बना सकते हो। और ये जो है, ये टेम्परेचर कंट्रोलर है, और ये टेम्परेचर कंट्रोलर को मैं आपको सामने टेस्ट करके दिखाऊंगा। इसमें जो NONC बटन इसमें लिखा है, अगर आपके पास ये नहीं लिखा होगा तो आप कैसे सिरी टेस्टिंग बोर्ड या फिर आप मल्टीमीटर से टेस्ट करके आप पता कर सकते हैं। ये जो है, ये हमारे पास इमर्सन हीटर यानी कि जो वाटर हीटर है, अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊँगा इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये कैसे रिपेयर करते हैं और इसका अंदर क्या फॉल्ट है वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ये रिपेयर करके। हाँ फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे टेक्निकल रिलेटेड वीडियो मेरा चैनल पे अपलोड कर रखा हूँ और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी में भी दे रखा हूँ, वो सब वीडियो जाके आप देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और ये जो है, ये ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट में भी मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊँगा सिरे टेस्ट लैम्प से आप कैसे ट्यूबलाइट चेक कर सकते हो। और ये जो है, मेरा पास मल्टीमीटर है, जैसे कि मैंने बताया था, मल्टीमीटर से मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। ये वाला मल्टीमीटर से मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा ये मल्टीमीटर से कैसे टेस्ट करते हैं। और चलिए, और ये मेरे पास राइट हैंड पे ये जो है बोर्ड है, ये बोर्ड से मैं सीरीज, ये वाला जो है मेरे पास, ये सीरीज टेस्ट लैंप है, मैं इसे सीरीज कनेक्शन करके इसमें लगा देता हूँ। अभी मैं इसे सप्लाई पे लगा देता हूँ। और फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपके पास अगर बच्चों है तो बच्चों से ये सब चीज़ करने की दूर रखे, नहीं तो उसे शौक लगने की बहुत चांसेस है। और आप ये सब चीज़ बच्चों के सामने ना करें, नहीं तो बच्चों ने क्या करते हैं, वो सब जो भी देखते हैं वो करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए बच्चों से दूर रखें ये सब चीज़। देखिए, अभी मैं ये जैसे ही दो पॉइंट को टच करूँगा, ये ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, ये ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, इससे आप पता कर सकते हैं, जैसे कि कंटिन्यूड आप इसे पता कर सकते हैं। अभी मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। चलिए, मैं ये जो अभी मैं ये लाइट को आपके सामने टेस्ट करके दिखाऊंगा, ये लाइट में जैसे दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट को मैं टच करूंगा, अगर इसका फिलामेंट यानी कि इसमें कंटिन्यू होगा तो ये आपको ग्लो होना दिखा देगा। लेकिन ये जो लाइट का अंदर इसमें फिलामेंट नहीं है, इसमें इसका अंदर ये LED लाइट है, इसका अंदर जो इसमें सर्किट है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, मैं आपको बाद में इसके बारे में बताऊंगा। ये अभी ग्लो कर रहा है, इसका मतलब ये पूरा परफेक्ट ओके है। अभी मैं आपको ये जो फैन
ये जो फैन आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा, ये फैन के अलावा इसमें आप जो भी कोई फैन होगा आप इसे टेस्ट करके भी पता कर सकते हो। देखिए इसके अंदर जो दो पॉइंट है, मैं दो पॉइंट में इसे लगाऊंगा, अभी स्विच बंद है। चलिए मैं स्विच इसका ऑन कर देता हूँ। देखिए इसका स्विच बंद था, अभी मैं ऑन कर देता हूँ। देखिए अभी जैसे ही मैं एडजस्ट करता हूँ ये ग्लो होना चालू हो गया। अभी ये दो पॉइंट में मैं लगाऊंगा और आप देखना इसका जो फैन, या अगर ये सही होगा तो इसमें फैन रन चालू हो जाएगा। देखिए मैं दो पॉइंट में लगाता हूँ। देखिए जैसे मैं लगाता हूँ यह फैन स्टार्ट हो रहा है। देखिए आपके सामने और जो फैन स्टार्ट हो रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप भी आप इसका वाइंडिंग भी चेक कर सकते हो, जैसे कि एक पॉइंट आप इसमें लगा सकते हो, इसका सप्लाई में लगा सकते हो। अगर इसका जो सप्लाई में जैसे कि वाइंडिंग अगर बॉडी के साथ टच होगा तो आपको इसमें ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इसे कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं। इसमें कभी कभी मोटर में क्या होता है, वाइंडिंग बॉडी के साथ टच हो जाता है, इस कारण से बॉडी में लीकेज करंट यानी कि करंट फ्लो होना चालू हो जाता है। हम ये सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से हम इसे पता कर सकते हैं। चलिए अभी मैं इसको टेस्ट कर दिया हूँ। अभी मैं आपको ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर जिसके बारे में मैंने बताया था, मैं आपको ये टेस्ट करके दिखाऊंगा। इसमें जो NONC बटन जो है, अगर इसमें नहीं लिखा होगा तो आप कैसे पता कर सकते हैं, ये वाला बटन NO है, ये वाला बटन NC है। जैसे कि 4-5 जो है NO है यानी कि नॉर्मल ओपन, और 5-6 NC यानी क्लोज है। मैं आपको इसी डायग्राम के हिसाब से मैं आपको कनेक्शन यानी कि इसमें लगाऊंगा, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड लगाऊंगा और लगा के मैं आपको दिखाऊंगा वो वाला बटन NO है या NC है। और ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर कैसे कनेक्शन करते हैं और इसका पैरामीटर कैसे सेट करते हैं, वो वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। प्लीज़ वो वीडियो जाके आप देखिए, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। चलिए देखिए फास्ट मैं 4-5 पे लगाता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था 4-5 NO है, नॉर्मल ओपन है, इसलिए ये ग्लो नहीं कर रहा है। अभी 5 और 6 में लगाता हूँ। 5 और 6 NC था यानी कि नॉर्मल क्लोज था, ये दोनों पॉइंट NC है। और अभी ये दोनों पॉइंट जो है NO है, ये भी ग्लो नहीं कर रहा है यानी कि NO है। और ये जो दो पॉइंट में लगाने में ये ग्लो कर रहा है यानी कि NC है। चलिए मैं अभी दूसरी इक्विपमेंट मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये चोक कैसे टेस्ट करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। ये चोक दो टाइप का होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और एक ब्लास्ट। ब्लास्ट चोक में क्या होता है, दो ही पॉइंट होता है, और इलेक्ट्रॉनिक चोक में 6 पॉइंट होता है, जैसे कि 2 इनपुट और 4 आउटपुट। और ये जो है ये दो साइड इनपुट पॉइंट है। अभी आपको क्या करना है, जैसे कि ये दो पॉइंट में आउटपुट पॉइंट में जैसे कि 4 पॉइंट होता है, एक साइड में जो दो पॉइंट लगाते हैं वही दो पॉइंट को सेट करना है, और ये साइड में जैसे दो पॉइंट होता है वो दो पॉइंट को आपको लगाना है। इस तरह आपको कनेक्शन कर देना है, ये दो पॉइंट ऐसे कनेक्शन करके आपको सीरीज कनेक्शन पे लगाना है। अगर इस टाइप जॉइंट करके अगर पैरेलल यानी कि इसमें न्यूट्रल फेस सप्लाई दोगे तो ये चोक जो है आपका चल जाएगा। अभी मैं इसको सीरीज सप्लाई दूंगा। अभी जो दो पॉइंट है ये बल्ब में, ये दो पॉइंट को इसके साथ कनेक्ट करूंगा। अभी मैं स्विच ऑन कर देता हूँ। अगर जो ट्यूबलाइट चोक अगर सही होगा तो ये ग्लो करना, आपका जो सीरीज में जो भी बल्ब लगा हुआ है वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दो जैसे ही जॉइंट करता हूँ ये ग्लो होना स्टार्ट हो गया। और अभी मैं ये दो पॉइंट में लगाता हूँ। देखिए दो पॉइंट में जैसे ही लगाता हूँ ये लगाने पे ये जो हमारा लाइट है वो चालू होना स्टार्ट हो गया, यानी कि ये जो चोक हमारा सही है। इस तरह टेस्ट करके आप पता कर सकते हो, बहुत बड़ी आसानी। और ये सब बहुत सावधानी से करना, नहीं तो आपको शक लगने के चांसेस बहुत है। अभी मैं आपको ये जो ट्यूबलाइट कनेक्शन करके दिखाऊंगा।
ट्यूबलाइट कनेक्शन कैसे टेस्टिंग करते हैं। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में ये जो ट्यूबलाइट कैसे कनेक्शन करते हैं, दो एक चौक में कैसे दो ट्यूबलाइट कनेक्शन करते हैं, उसके बारे में भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर वो वाला वीडियो आपको देखना है तो प्लीज़ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो की लिंक दे रखा हूँ, जाके चेक करके देखिए। चलिए अभी मैं ये दो पॉइंट में इसे लगा देता हूँ। देखिए ये दो पॉइंट लगाने पे ये जो ट्यूबलाइट का एक साइड जिसमें फिलामेंट लगा होता है, ये फिलामेंट आपका सही है, इसीलिए सीरीज में जो कि बल्ब लगा हुआ है वो अभी ग्लो कर रहा है। देखिए अभी ये सही से काम कर रहा है, एक साइड इसका मतलब है एक साइड इसका जो फिलामेंट है ये सही है। दूसरे साइड चलिए मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। और ये सब सीरीज जो इसमें जो सीरीज बोर्ड कनेक्शन करने के बाद मैं आपको एक एक करके मैं आपको मल्टीमीटर से भी चेक करके दिखाऊंगा और बताऊंगा मल्टीमीटर से क्या चेक होता है। अब ये दो साइड में मैं कनेक्शन कर देता हूँ, अभी टच करता हूँ। देखिए ये दो साइड टच करने पे ये ग्लो नहीं रहा है, इसका मतलब ये साइड इसका जो फिलामेंट ख़राब है, यानी कि फ्यूज हो गया है। देखिए ये ग्लो नहीं कर रहा है, यानी कि ये वाला साइड इसका जो फिलामेंट ये ख़राब है। आप इस तरह सीरीज बोर्ड से आप इस तरह चेक कर सकते हो। देखिए इसमें टच करने पे थोड़ा थोड़ा ग्लो हो रहा है और ये सही से ग्लो नहीं कर रहा है, यानी कि कंटिन्यू ग्लो नहीं कर रहा है। ग्लो कर रहा था, अभी देखिए ये अभी ग्लो नहीं कर रहा है, इसका जो फिलामेंट है ये पूरा ख़राब है। चलिए और ये वाला जो हीटर है, हीटर को इमर्शन हीटर जैसे कि मैंने बताया था, इमर्शन हीटर को मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। अगर ये ख़राब होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये हीटर कैसे रिपेयरिंग करते हैं और इसका अंदर क्या ख़राब है, यानी कि केबल ख़राब है या कॉयल ख़राब है, ये सब मैं आपको टेस्ट करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं और भी बहुत सारा वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, टेक्निकली रिलेटेड वीडियो आपको वो सब बहुत जल्दी मिल जाएगा। चलिए जैसे कि मैंने बताया था इसमें मैं न्यूट्रल फेज में ये जो सीरीज टेस्टिंग बोर्ड में जो दो पॉइंट होता है न्यूट्रल फेज में मैं लगाता हूँ। चलिए मैं अभी इसमें लगाता हूँ। देखिए जैसे लगाता हूँ ये न्यूट्रल फेज में ये कुछ भी ग्लो नहीं कर रहा है, थोड़ा सा भी ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये अंदर में इसका जो कॉयल ये ख़राब होगा, इधर इसका जो सप्लाई पावर सप्लाई पॉइंट इसमें ब्रेक हुआ होगा, यानी कि जल गया होगा। अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ इसका जो बॉडी के साथ हमेशा जो अर्थिंग पॉइंट इसमें लगा हुआ था, बॉडी के साथ ये अर्थिंग पॉइंट टच है या नहीं। देखिए बॉडी के साथ इसका अर्थिंग पॉइंट अभी टच नहीं है और ये कॉयल के साथ भी अर्थिंग पॉइंट जॉइंट नहीं है, यानी कि मैं आपको ये जो इमर्शन हीटर का मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगा ये कैसे टेस्ट करते हैं और इसका अंदर फॉल्ट क्या है, मैं आपको अगले वीडियो में मैं रिपेयर करके मैं आपको दिखाऊंगा। अभी चलिए मैं आपको ये जो मल्टीमीटर से मैं जितने सारे इक्विपमेंट की मैंने सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से टेस्ट करके दिखाया मैं वो सब मैं आपको मल्टीमीटर में टेस्ट करके दिखाऊंगा, आपको मल्टीमीटर से कैसे चेक करना है। और ये जो है ये मेरे पास फ्लूक 20II ट्रू RMS मल्टीमीटर है और भी मेरे पास एक हार्ट कम्युनिकेटर है। अगर ये वाला मल्टीमीटर हार्ट कम्युनिकेटर आप सेकंड हैंड अगर लेना चाहते हो तो इस डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक की लिंक और मेल आईडी दिया हुआ है, मुझे जाके मैसेज करें और मेल करें अगर ये सब आप चाहते हो तो। और देखिए अभी मैं इसमें जैसे कि बोल्ट रेजिस्टेंस इस कंटिन्यूट पे आपको इस रेड वाली लीड लगाना है और ये कॉमन पॉइंट पे आपको ब्लैक वाला लीड लगाना है और इसमें अगर लगाओगे तो मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर मेजर करने के लिए और यहाँ एम्पियर के लिए। अभी मैं आपको ये जो रेजिस्टेंस के ऊपर लगा देता हूँ और इसमें कंटिन्यूटी सिंबल भी है और डायोड की सिंबल है। अभी OL यानी कि ओपन लूप लिखा आ रहा है। चलिए मैं आपको जैसे ही देखिए मैं दो लीड टच करता हूँ इसमें कंटिन्यू आना चालू हो जाता है और इसमें 0.4 दिखा रहा है जो कि ये लीड की इसका जो रेजिस्टेंस है 0.5
ओम की। अभी मैं आपको ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर का NONC बटन इसमें चेक करके मैं आपको दिखाऊंगा। अगर इसमें NC बटन पे अगर रखोगे तो अगर इसमें कंटिन्यू नहीं आएगा, जैसे कि ऑयल जाने के ओपन लूप आपको दिखाएगा। अभी मैं इसे देखिए दो पॉइंट में लगाता हूँ, देखिए दो पॉइंट में ऑयल आ रहा है जाने का ओपन लूप। ये आपका NO कॉन्टैक्टर है। ये आपका NO कॉन्टैक्ट पॉइंट है, देखिए कुछ भी नहीं आ रहा इसमें। अभी मैं ये दो पॉइंट में जैसे ही लगाता हूँ इसमें 0.5 आ रही, 0.5 जैसे कि मैंने बताया था। ये लीड की जो रेजिस्टेंस है, ये लीड की रेजिस्टेंस है, और इसमें बीपिंग साउंड भी सुनाई दिया होगा आपको। जैसे ही दूसरे पॉइंट में मैं जैसे ही लगाता हूँ, ये आपका NC पॉइंट है और वो दूसरा वाला जो है NO पॉइंट है। अभी मैं आपको ये जो देखिए ये लाइट को मैं अभी टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे इसमें लगाता हूँ इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, देखिए इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, ये ऑयल लिखा आ रहा है। और इसको दबा के इसमें रेजिस्टेंस अगर सिलेक्शन करता हूँ तो ये फिर भी कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि इसका अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, इसका अंदर जो होता है ये फिलामेंट नहीं होता है, ये एक LED लाइट है। इसका अंदर सर्किट कनेक्शन हुआ है और सर्किट में आपको सिर्फ सीरीज टेस्टिंग लैम्प से आपको अगर चेक करोगे तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाता है। और ये सर्किट बोर्ड से अगर आपको मल्टीमीटर से चेक करना है तो सर्किट में जो भी कंपनी लगा होता है वो एक एक चेक करना होता है, और आपको सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से ये वाला लाइट कैसे चेक करते हैं वो सब आपको मिल जाता है। लेकिन आपको ये वाला लाइट सब मल्टीमीटर से ये चेक नहीं हो पाता है। और इसमें मैं फैन पे आपको ये जो दो लीड मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा, लगा के दिखाऊंगा। देखिए अभी जो है जैसे कंटिन्यूटी पे आपको ये नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इसका वाइंडिंग में जो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा इसीलिए नहीं दिखा रहा है। देखिए अभी इसमें जैसे ही लगाता हूँ इसमें 727 इसमें किलो ओम, यानी कि देखिए किलो ओम दिखा रहा है, इसीलिए कंटिन्यूटी पे ये नहीं दिखा रहा था। देखिए यहाँ पर जो एम ओम यानी कि मेगा ओम, अभी जैसे ही लगाता हूँ ये ऑटोमेटिक रीडिंग कर लेता है और किलो ओम बताता है। देखिए इसमें किलो ओम रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर आपका इक्विपमेंट पे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो आपको कंटिन्यूटी पे नहीं शो करेगा, आपको हाई रेजिस्टेंस के ऊपर सिलेक्ट करके आपको लगाना होता है। इस तरह आपको चेक करना है। और इसमें ये मीटर में देखिए इसमें IP67 यानी कि वाटर प्रूफ डस्ट प्रूफ है। और इसमें मैं आपको टेम्परेचर भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ। टेम्परेचर के लिए आपको ये येलो वाला बटन ये करता हूँ। अभी देखिए इसमें आ रहा है डिग्री सेल्सियस आ रहा है। जैसे ही मैं ये दो लीड को जॉइंट करूँगा आपको टेम्परेचर भी शो कर देता है, यानी कि 31.4 अभी टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर दिखा रहा है। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।